दोस्तों, अगर आपको आई के ऑफिशियल चैनल पसंद है और इसकी मालूमती वीडियो को आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आएँ, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन होगा उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपने आल पर क्लिक करना है। इस तरह जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल आई के ऑफिशियल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा पेश करने वाला हूँ जो मुकव्वी बदन भी है, विटामिन का ख़ज़ाना भी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। उसके अलावा मुगल्लस भी है, मोलद मनी भी है और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, और वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत काम देने वाला है। औरतों के जो पोशीदा अमराज होती हैं उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन और मुफीद है। इसको बनाकर इस्तेमाल करें, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, सादा सी चीज़ें हैं, घर के अंदर भी दस्तियाब होंगी। अगर घर में ना हो तो पिनसार स्टोर से आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपने ख़ुद साफ़ सुथरी चीज़ें लेनी हैं, उनका सफ़ूफ़ बनाना है और उनको इस्तेमाल करना है। जो जो अज्ज़ा आपको दस्तियाब होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ और जैसे बनाना है उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलें तफसील के साथ नुस्खा सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, नुस्खा सुन लीजिए। ये मुकव्वी बदन भी है, विटामिन का ख़ज़ाना भी है। अखरोट, बादाम, गुखरू, सफ़ेद ज़ीरा, सागुदाना, मिश्री, ये सारी चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है। 50-50 ग्राम ले लें तब भी ठीक हैं। हम वज़न लेकर आपने इसका सफ़ूफ़ बनाना है और रोज़ाना सुबह के वक्त में खाली पेट एक चम्मच निहार मुँह दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। ये बदन को मोटा भी करेगा, कमज़ोर अफराद के लिए बेहतरीन चीज़ है। जो आदमी कहते हैं कि हमारा वज़न बहुत कम है, अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करें। बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत मुफीद है, मुगल्लज़ और मूलद मनी है। इमसाक के लिए ख़ास चीज़ है, दायमी नज़ला के अंदर मुफीद है। ख़वातीन में रहम और पिस्तानों के लिए ख़ास चीज़ है, रहम को ताकत देकर इसकात से बचाता है, जोड़ों के दर्दों के लिए मुफीद है। औरतों में दूध की पैदावार के अंदर भी इजाफा करेगा, मस्नूई विटामिन्स और आरजी ताकत के टीकों से बदरजाह बेहतर है। तो इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। जो विटामिन के लिए कमी पूरी करने के लिए आप दूसरी अद्वियात का सहारा लेते हैं या इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, तो उसकी बजाय इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल आई के ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।